हजात मोमी ये दिल गवाही दे रहा है कि बीबी ने हम सबका पुरसा कबूल किया। ये आंखें सोगवार, ये दिल गम गुसार। आप सोचिए कि कुछ लम्हों के मसाइब सुन के आप रो दिए, सिर्फ सुन के। और जिसने मसाइब देखा हो उसके दिल पे क्या बीता होगा? जानते हैं सबसे ज्यादा जुल्म किसने देखा? आप बताइए किसने देखा? सबसे ज्यादा जुल्म सानिये जहरा ने देखा। एक कमसिनी की उम्र में माँ की तन्हाइयों में जनाजा उठते देखा, बाप के सर पे जरबत को लगते हुए देखा, भैया हसन के खून के दिल के टुकड़े देखे, एक ही दिन में 72 लाशों से पटा हुआ मक्तल देखा। भतीजे के गले में तौक देखा तो 4 साल की भतीजों को तमाचा खाते देखा। उस खैद खाने में उनको भी देखा जिसमें 4 साला भतीजी ने दम तोड़ दिया। कितने जुल्म जनाबे जैनब ने देखे, शायद ही किसी ने देखे। लाशों से पटे हुए मख्तल को देखा तो टिल्लैया जैनब से भाई का सूखा कटा गला देखा। जिस भाई पे गुरूर था उसके बाजुओं को कटते हुए देखा। जानते लेकिन कभी भी दिल खोल के गिरिया न कर भाई जैनब। हर जगह पे पाबंदी थी, जब जब रोई जालिमों ने चुप करा दिया, जब जब गिरिया किया दुर्रों की अजियत। जब रिहाई का ऐलान हुआ जनाबे सैयद सज्जाद अपनी फूफी के पास हाथों को जोड़ के फरमाते हैं, ए फूफी अम्मा हम रिहा कर दिए गए, अब घर चलिए। ए फूफी अम्मा हम आजाद हो गए, अब घर चलिए। दिल खोल के मदीने में भैया का मातम करेंगे, बाबा का मातम करेंगे। ए बेटा सज्जाद हम घर चलेंगे, लेकिन अभी तक इस दुखियारी में अपने भाई का मातम नहीं किया है। जाके कह दो उस अजीज से एक मकान खाली करा दे, मैं अपने भाई का मातम कर लूं। एक घर खाली करा दे, मैं अपने भैया हुसैन का मातम कर लूं। इसी पे हजार नोहा पेश कर रहा हूं, मातम है हुसैन। दिल खोल के गिरिया करिए, जिंदगी का कोई भरोसा।
मजलिस के लिए
दम कर लो में
दर्द जो दिल में है किस तरह उसे कम कर लूं। ए घर खाली करा दे के मैं मातम कर सब में।